चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामीम जय भीम नमोदय सभी को जय भीम नमोदय बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे कॉल करने के लिए कंसेप्ट के लिए। आप लोग जानते हैं कि और महसूस भी करते हैं सभी कि जिस कमरे में हवा और उजाला होता है वहां पर आम तौर से मच्छर मक्खी नहीं पनपते हैं, नमी नहीं रहती है, बैक्टीरिया वायरसेस इन्फेक्शन बहुत कम होता है, हवादार कमरा बहुत अच्छा होता है। एक दूसरा और एग्जाम्पल हम बताएं, आप लोग जो डॉक्टर हैं वो तो सब जानते ही हैं, आम लोग भी शायद जानते हो या नहीं जानते हो कि पोलियो प्रोग्राम एक बहुत प्रसिद्ध प्रोग्राम रहा है। उसमें पोलियो ड्रॉप पिलाने का एक पर्पस तो था कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, लेकिन जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस समय पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाई जाती थी, दो ड्रॉप, तो उसके बाद में उस बच्चे के फीकल मैटर में जब वो टट्टी करता था तो उसमें लाखों की तादाद में वो वायरस मल्टीप्लाई होकर एटमॉस्फेयर में जाते थे। उद्देश्य क्या था कि ये जो पोलियो के वायरस थे वो इनएक्टिव होते थे, एटीन्यूटेड वायरस कहते थे, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते लेकिन जीवित होते हैं, और वो वाइल्ड वायरस को जो हानिकारक वायरस है उनको रिप्लेस कर देते थे। ये दो एग्जाम्पल देने का मेरा आशय ये है कि हमको अपने वातावरण में, वातावरण से मतलब हमारे जो सामूहिक रूप से जहां हम बात कर रहे हैं वहां पर एक बहुत ही अच्छे विचार रखे जाने चाहिए। प्रकाश भगवान बुद्ध हमारे बीच में महापुरुषों का, उनके विचार रखने चाहिए, उनके द्वारा जो प्रकाशित होना चाहिए, न कि फिर से वही डार्क साइड के जो विचार मैं देख रहा हूं कि एक प्रचलन में आया है लगातार। जब भी कहीं बात करिए, बात सुनिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स भरे पड़े हैं, मीटिंग्स में बाहर बात शुरू करेंगे क्रिटिसाइज से, पहले के लोगों की क्रिटिसाइज से बात शुरू करेंगे, जबकि क्रिटिसाइज करने का आशय हम ये नहीं कह रहे हैं कि पता नहीं होना चाहिए, हमारी हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए, उसके लिए हमको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर अब तक पढ़ना पड़ेगा कि हम लोगों के न जुड़ने से कितने नुकसान हुए हैं, क्या हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करके ही हम अपनी बात को ख़त्म करें, बल्कि हमें अपनी कार दिखाना पड़ेगा, उपलब्धियां बताने पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग, बहुत लोग विभिन्न अभी तक संघ में सभी आए हैं लेकिन वो अन्य चीजों से जुड़े हुए, अन्य संगठनों से जुड़े हुए, अन्य ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो अपनी उपलब्धियां, अपने अचीवमेंट इस मंच पर जरूर बताएं, सिर्फ क्रिटिसाइज में व्यस्त न रहें। उपलब्धियों से आशा है सक्सेस स्टोरी, एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर्स संगठित हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ये इसलिए दे रहा हूं कि ये हमारे सामने आ चुका है, डॉक्टर्स संगठित हुए, हमारे और भी मंच रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे उनके अपने प्रोविंशियल या नेशनल मंच पर इकट्ठे रहे हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मार्फत जुड़े रहे हैं, संघ में हम सभी लोग पूरे मनोयोग से, तन्मयता से जुड़े हैं, और
इस जुड़ने का ये हुआ कि हम मीटिंग भी हमारी सक्सेसफुल रही, और एक उदाहरण के तौर पर जो ओपीडी शुरू की है, फ्री ओपीडी, ये हमारा एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है। क्या हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे विभिन्न मंच, मीटिंग्स की तो बात होती है, पराठा पार्टी तो होती है, और भी तरह की पार्टी होती है, उनके कुछ अचीवमेंट अगर हों, सक्सेस स्टोरी कोई हो, तो उनके विषय में जरूर बात होनी चाहिए, ताकि हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं उनको भी समझ में आए कि हम यहाँ जुड़ रहे हैं, जुड़ने से क्या क्या नतीजे मिलते हैं, क्या क्या फायदे होते। तो ये एक, मैं इसमें इशू बेस बात कर रहा हूँ, क्योंकि बगैर इसके काम चलेगा नहीं। हमारे विभिन्न संगठन जो अब संघ में हैं, या हमको पुराने चीजों में हर चीज की क्रिटिसाइज न करके हमको उपलब्धियों के विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमने ये उपलब्धि हासिल की है किसी भी क्षेत्र में। टीचर्स हैं, क्या उन्होंने सिर्फ मीटिंग, जूम मीटिंग में बात करके चले गए, या कोई ऐसा वीणा उठाया, या ऐसा कोई कार्रवाई की कि जिसमें कुछ बच्चों को मलिन बस्ती में जाके काम किया हो? क्या वहां पर दो चार ही सही किसी बच्चे को इस तरह का योगदान किया हो? कानपुर में मैं आपकी जानकारी मिला दूं कि हमारे यहाँ संत रैदास समिति है, और भी समितियां हैं जिसमें बच्चों के लिए हम लोग कंप्यूटर तक उपलब्ध कराए हैं, उनको बुक्स वगैरह भी देते हैं। संघ की अवधारणा में हमें ये बताना पड़ेगा कि हम इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होने के बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ क्रिटिसाइज, हमारे इस चीज को अदरवाइज मत लीजिएगा कि क्रिटिसाइज के क्या मायने हैं, वो तो अलग इशू हो जाएगा। लेकिन जैसे हम बात करते हैं, हमारे साथी बात करते हैं, हम ग्रुप्स में भी देखते हैं कि प्राचीन बातें करेंगे कि हमारे साथ ये अत्याचार हुए, ये हुए, सिर्फ यही बात करेंगे और बात को यहीं छोड़ देंगे कि बात इसके हुए, लेकिन इसके एवज में हमने क्या किया, इसके एवज में हमको अपने पूर्वजों की, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, चाहे शुरू से लीजिए, भगवान बुद्ध से ले लीजिएगा, आज तक के बाबा साहेब हैं, मानोर कांशीराम जी हैं, इनकी ये उपलब्धियां रही हैं। इन्होंने बहुत सारे एक्शन लिए जिनकी वजह से आज हम ये हैं। वर्तमान में आप किस स्ट्रेंथ में कितना कर पा रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है कि कितनी स्ट्रेंथ में काम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। देखिए, एक आपको बात बताएं कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हुआ, जब ज्वार भाटा आता है, ज्वार आता है तो मछलियां बाहर आ जाती हैं, तो वो व्यक्ति एक एक करके मछली को फेंक रहा था समुद्र में। तो पीछे से एक व्यक्ति ने पूछा कि ये व्यक्ति मूर्ख है क्या, इस तरह से कितनी मछलियों को बचाया जा सकता है? तो उसने पूछा कि सर, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों, इनको एक एक मछली से क्या फायदा है? Then he threw one more fish and said, I save one more life. अगर एक मछली का लाइफ बचा सकते हैं, वो भी बहुत कुछ है। तो ये मेरा एक सुझाव भी है कि सिर्फ क्रिटिसाइज या सिर्फ उनके विषय में ही बात ना करें। एक और चीज है, एक्सेप्ट की बात करते हैं, तो उसमें हमको सिर्फ यही नहीं करना चाहिए, हमको सॉल्यूशन भी रखना चाहिए, सॉल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट तो हमारा सिर्फ जुड़ने का है, मन से पूछा जाता है, तो मेरा तो कहना ये है
कि आप शाम को अपने घर में एक साथ डिनर करते हैं या एक साथ जब भी लंच करते हैं तो उसमें जुड़ते हैं, उस जुड़ने में आप क्या करते हैं, उस जुड़ने का, उसको लंच का या डिनर का एक साथ करने का आशय क्या है? वो जुड़ना है, और जुड़ने का पर्पज ये है कि हम एक साथ बैठ के शाम को दिन भर की दिनचर्या, अपने ऊपर आई परेशानियां या अन्य चीजों के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये लाभ है, यही जुड़ना है, यही संघ है कि हम लोग एक साथ बैठ के, यही हमेशा से होता रहा है, पराठा पार्टी में भी यही हो रहा है। तो ये ना जुड़ने से कितने नुकसान है, एक एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान में हो, नोएडा में एक मर्डर हुआ था, आरुषि हत्याकांड, उसके विषय में पढ़ रहा था कि पता लगा कि एक परिवार में 3 सदस्य, माँ बाप बेटी, और सप्ताह में पता लगा कि एक दिन भी नहीं मिल पाते थे, एक ही घर में अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग समय पर। तो मेरा जो इसमें आशय है जुड़ने का, कि जुड़ने के यही फायदे हैं कि हम अपने शुरू से, हम अपने विषय में, अपने लोगों के विषय में छोटी से छोटी तकलीफ सहभागी सहकारिता के रूप में हम बात करते हैं और उनका समाधान भी मिलता है जुड़ने से। हम लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था परिहार जी कि हम लोग जुड़ रहे हैं और अपनी कोई प्रॉब्लम या सबकी प्रॉब्लम अगर हम पुट अप कर रहे हैं तो उसके विषय में सॉल्यूशन भी होना चाहिए। सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि उनका सॉल्यूशन सही ही हो, सॉल्यूशन एक रखा जाता है, कहते हैं कि इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन देन यू आर अगेन ए प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन भी एक समाधान ही है, सॉल्यूशन रखना। तो जुड़ना, आदिकाल से हम लोग जुड़ने आ रहे हैं। समण संघ के विषय में आप जानते हैं कि समण संघ में भी शुरू से सभी लोग एक साथ बैठते हैं, शनिवार को इकट्ठा बैठते थे, हमारे वर्तमान में भी हम एक साथ बैठ के पार्टी के रूप में, पराठा पार्टी जिसको कह रहे हैं, या हम लोग और भी तरह की गैदरिंग कर रहे हैं। अभी लखनऊ में एक पुनः संगीति है, लखनऊ में हो चुकी है एक, पहले डॉक्टर्स संगीति हो चुकी है, जबलपुर में है, अभी हमको पता लगा कि जुलाई में बिलासपुर में होने जा रही है। तो इनमें बैठने से, बैठने का हमारा जो पर्पज है कि वहाँ बैठ के हम लोग सिर्फ लंच डिनर करके चले आएं, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ पर बैठ के हम अपने कुछ उद्देश्य रखें, कुछ समस्या रखें और उनके समाधान की भी बात करें, ये जुड़ने के फायदे ही हैं ये सभी चीज़ें। और हमारे बीच में चौधरी गंगाराम जी भी हैं, माननीय श्रीराज जी भी हैं, उनको मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
मन गच्छामि।